फ्लावर पेंटिंग आज हम करेंगे यूजिंग पेंट ब्रश एंड द पैलेट दैट विल कंटेन सम इंक यूजिंग ऑफ कोर्स 99% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एनी कलर इंक सबसे पहले मैं अपनी पैलेट के अंदर थोड़ा सा अल्कोहल जो है उसको ऐड करूँगी दो से तीन ड्रॉप्स मैंने इंक के इसके अंदर ऐड किए हैं मिक्सिंग इट वेल अपनी शीट के ऊपर डिप करके ब्रश को मैं एक फ्लावर की पेटल जो है वो रफ़ ड्रॉ कर लूँगी दिस स्केचिंग शुड बी वेरी रफ एट दिस पॉइंट इफ़ यू फील लाइक कि आपका कलर जो है वो बहुत ही फेडेड है तो आप इनके ड्रॉप्स को मज़ीद बढ़ा सकते हैं बट आई फील लाइक मेरा कलर जो है वो ठीक है सो आई एम नॉट एडिंग एनी मोर इंक टू इट अब मैं सिंपल अल्कोहल से इसकी अंदर लाइंस क्रिएट करूँगी बाय गिविंग कांस्टेंट हीट ऑफ माय हेयर ड्रायर स्ट्रोक्स क्रिएट करने हैं प्लेन अल्कोहल से मेकिंग श्योर कि हीट जो है वो कांस्टेंट इसको मिले आई हैव केप्ट माय हेयर ड्रायर ऑन और मैं जहाँ जहाँ पे लाइंस जो है अल्कोहल से क्रिएट कर रही हूँ वहाँ वहाँ से मैं इसको इमीडिएटली ड्राई भी करती जा रही हूँ द पर्पज़ ऑफ द स्टेप इज़ कि थोड़ी सी इसके अंदर रियलिटी आ जाती है ब्रश के स्ट्रोक से अल्कोहल जो है वो हार्श लाइंस को जो है वो फेड कर देता है और फ्लावर के अंदर एक रियलिटी आ जाती है अदरवाइज़ इट लुक्स वेरी फेड फेक अगर आप जो हैं वो सिर्फ कलर्ड इंक के साथ इसको इसकी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करेंगे एंड इफ़ यू विल पेंट इट सो दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी स्टेप ताकि जो है उसके अंदर एक रियलिटी आ जाए एट दिस पॉइंट इफ़ यू फील लाइक कि आपने अपने पैटल्स की शेप को थोड़ा सा चेंज करना है दैन दिस इज़ द राइट टाइम मैं थोड़ी सी अपने पैटल्स जो है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ और इस अल्कोहल से ब्रश स्ट्रोक्स की हेल्प से आई एम क्रिएटिंग सम मोर पैटल्स और थोड़ा सा ओपननेस पैटल्स के अंदर दे रही हूँ
अब मैं मार्कर के साथ जो है इसकी स्टेम क्रिएट कर लूँगी। So this is how flower can be created using paintbrush.